हेलो एवरीवन वन मैनेजमेंट मंत्रा के इस वीडियो में आप पढ़ने वाले मॉनेटरी पॉलिसी तो नेक्स्ट आप देखते हैं कि इससे रिलेटेड कौन कौन से टॉपिक आप इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं तो फर्स्ट आता है इसका मीनिंग डेफिनेशन क्या टाइप्स होते हैं इंपॉर्टेंस जिसको कि हम सिग्निफिकेंस भी बोलते हैं इसके ऑब्जेक्टिव टूल्स और इंस्ट्रूमेंट इनको डिटेल में देखने से पहले डिस्क्रिप्शन में आप बिजनेस इन्वायरमेंट या इकोनॉमिक इन्वायरमेंट से रिलेटेड डिफरेंट टॉपिक्स पर वीडियो देख सकते हैं वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए और किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं फर्स्ट आता है मॉनेटरी पॉलिसी का मनी मॉनेटरी पॉलिसी वो पॉलिसी होती है जिसको की सेंट्रल बैंक बनाती है और जो पूरा मनी का कंट्रोल को देखती है कि मनी का कितना सप्लाई होगा इकोनॉमी को मैनेज रखने के लिए इकोनॉमी को सही तरीके से चलाने के लिए तो जो हमारे इंडिया की बात की जाए तो सेंट्रल बैंक है आर जो कि पूरा मनी का मेजरमेंट मनी की सप्लाई को देखती है कि कितनी रेट में कितना सप्लाई देश के अंदर होना चाहिए तो मॉनिटरी पॉलिसी में पूरा कंट्रोल होता है कि कितने इंटरेस्ट रेट, कितनी ब्याज दर पे किसी को पैसा मिलेगा और ये हेल्प करता है कि प्राइस को कैसे आप स्टेबल रख सकते हैं चीजों का नेक्स्ट आता है ये हेल्प करता है कि कैसे आप इकोनॉमिक ग्रोथ को अचीव कर सकते हैं ये कंट्रोल करता है मनी की पावर को कि मनी कितना इंक्रीज होगा कितना डिक्रीज होगा फॉर एग्जाम्पल हम बात करें कि अगर आर ने जो डिफरेंट बैंक को वो मनी देती है लोन के लिए तो अगर उनका इंटरेस्ट रेट जिसको कि हम बोलते रेपो रेट वो बढ़ा दिए तो जो लोगों को मिलने वाला लोन है उसका भी इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होगा जिससे कि मनी की सप्लाई मार्केट में कम हो जाएगी। लोग कम 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 मनी या लोन लोन लेंगे। वैसे अगर RBI लोन की रेट को कम करती है, तो बैंक भी ज्यादा लोन लोगों को प्रोवाइड करेगी लोग भी ज्यादा लोन लेंगे तो ये क्या होता है मनी की सप्लाई इंक्रीज होती है तो इस तरीके से आरबीआई या सेंट्रल बैंक पूरे मनी को कंट्रोल कर सकती है नेक्स्ट हम देखते हैं इसकी डेफिनेशन मॉनिटरिंग पॉलिसी रिफर टू दी क्रेडिट कंट्रोल मेजर्स एडोप्टेड बाई द सेंट्रल बैंक ऑफ अ कंट्री मॉनिटरी पॉलिसी को क्रेडिट कंट्रोल के रूप में जाना जाता है कि ये पूरा कितना उधार में पैसा चलने वाला क्रेडिट में पैसा चलने वाला उसको पूरा कंट्रोल करती है देश के अंदर मॉनिटरी पॉलिसी पॉलिसी एम्प्लॉय सेंट्रल बैंक्स कंट्रोल ऑफ दी सप्लाई ऑफ मनी एस एन इंस्ट्रूमेंट फॉर अचीविंग जनरल इकोनॉमिक पॉलिसी मॉनेटरी पॉलिसी पॉलिसी है जिसमें सेंट्रल बैंक कंट्रोल करती है मनी की सप्लाई को इंस्ट्रूमेंट्स को ताकि वो इकोनॉमिक पॉलिसी को पूरी तरीके से या इकोनॉमी को पूरी तरीके से कंट्रोल कर सके नेक्स्ट आता है कि क्या टाइप्स होते हैं मॉनिटरी पॉलिसी के तो मॉनिटरी पॉलिसी डिजाइन की जाती है कि क्या आपके गोल्स में चेंज हुआ है उसके अकॉर्डिंग इकोनॉमी का क्या सीनोरियो है क्या कंडीशन है मतलब इकोनॉमी में पैसे की जरूरत है नहीं है फॉर एग्जाम्पल कोविड के बाद लोगों को बहुत मंदी आ गई थी लोगों को बहुत ज्यादा पैसे की जरूरत थी अपने बिजनेस को सेट करने के लिए तब क्या किया आर ने अपने इंटरेस्ट रेट को कम कर दिया लोगों को पैसा मिल सके लोग अपने बिजनेस को सेट कर सके तो इस तरीके से वो सीनेरियों को देखते हुए मॉनिटरी पॉलिसीज में चेंजेस कर दिए तो इसको मेनली दो टाइप से डिवाइड किया जाता है फर्स्ट आता है एक्सपेंशनरी मॉनिटरी पॉलिसी सेकेंड आता है कॉन्ट्राडिक्टरी मॉनेटरी पॉलिसी इनको हम डिटेल में रखते हैं फर्स्ट आता है एक्सपेंशरी मॉनेटरी पॉलिसी ये इजी मॉनेटरी पॉलिसी होती है इसका एम होता है कैसे आप लोगों को इनकरेज कर सकते कि वो ज़्यादा गुड्स एंड सर्विसेस खरीदें जो सप्लाई है मनी की वो बढ़ जाती है कम इंटरेस्ट रेट में लोगों को लोन मिल जाता है क्योंकि बैंक की रेट और रेपो रेट कम होती है और अगर ये कम होती है और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को रख के मार्केट में ज़्यादा पैसा सप्लाई करती है ताकि लोगों को ये इंक्रेज कर सके कि वो ज़्यादा गुड्स एंड सर्विसेज़ को खरीदे तो इस पॉलिसी के अंदर आप आपकी मॉनेटरी पॉलिसीज़ को बहुत इजी बना लेते ताकि लोग इजीली मनी को ले सकते हैं इसमें आप आपकी एग्रीगेट डिमांड को इंक्रीज़ करते हैं आप आपकी इकोनॉमी की ग्रोथ के लिए ऐसा करते हैं आप इसमें मनी की सप्लाई को इंक्रीज करते हैं ताकि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में पैसे लगें और जो इंटरेस्ट रेट रहती है वो कम रहती है मतलब कम ब्याज दर पर लोगों को पैसा मिलता है सेकेंड आता है कॉन्ट्रडिक्ट्री मॉनिटरी पॉलिसी कॉन्ट्रडिक्टरी बोला जाए तो टाइट मॉनिटरी पॉलिसी होती है इसका एम होता है कि कैसे आप इन्फ्लेशन को प्रिवेंट कर सकते हैं मतलब आप यहाँ पे मनी की सप्लाई को कंट्रोल में रखते हैं बहुत कम करते हैं क्वान्टिडिक्ट्री में मतलब सिकूर्ण के आप आपके जो इंटरेस्ट रेट है उसको इंक्रीज कर देते हैं ताकि लोग कम पैसा इन्वेस्ट करें प्रोडक्ट और सर्विसेज को लेने के लिए अगर आपने रेट को इंक्रीज किया इंटरेस्ट रेट को तो कंपनिया या बैंक कम लोन लेती हैं और वो लोगों को भी कम लोन प्रोवाइड करती है तो जिससे क्या होता है लोगों की परचेसिंग पावर जो है वो कम हो जाती है इसमें हायर वेजेस के बेनिफिट लोगों को मिलते हैं मतलब यहाँ पे आप सोच समझ के चीजों में पैसा खर्च करना कम लोन को लेना क्योंकि तो ज्यादा लोन लेंगे तो इंटरेस्ट रेट हाई होगा तो इसकी वजह से आप मनी को लेना कम करते हैं कम लेंगे तो आप चीजों को भी खरीदना कम कर देंगे क्योंकि पैसे नहीं होंगे तो ये होता है कि इस तरीके से आप मनी की सप्लाई को रोक सकते हैं नेक्स्ट आता है कि क्या इंपॉर्टेंस या क्या सिग्निफिकेंस होते हैं मॉनिटरी पॉलिसीज के फर्स्ट आता है कंट्रोल इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन जो भी मॉनेटरी पॉलिसी है उससे आप कंट्रोल कर सकते हैं कि कितनी महंगाई होगी या कितनी मंदी होगी तो इस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करती है गवर्नमेंट फॉर एग्जाम्पल हम बात करें अगर आर अपनी ब्याज की दर को बढ़ा देता है तो लोन लोग कम लेंगे कैश की जो लिक्विडिटी है वो मार्केट में आना कम हो जाएगी डिमांड कम हो जाएगी प्राइस कम हो जाएंगे और महंगाई भी कम हो जाएगी वहीं अगर हम बात करते हैं कि इंटरेस्ट रेट कम हो जाएगा तो लोग लोन ज़्यादा लेंगे कैश ज़्यादा आएगा मार्केट में डिमांड इंक्रीज होगी जिससे कि क्या होगा प्राइस इंक्रीज होगा और महंगाई बढ़ जाएगी तो आप मॉनेटरी पॉलिसी से इसको पूरी तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं नेक्स्ट आता है अवेलेबिलिटी ऑफ सप्लाई ऑफ मनी एंड क्रेडिट जो मॉनेटरी पॉलिसीज़ है ये अपने चार्जेस में चेंजेस करके मनी की कितनी सप्लाई होगी क्रेडिट की कितनी सप्लाई होगी मतलब तो लोगों को उधार में कितना पैसा मिलेगा उसको कंट्रोल कर सकते हैं तो ये पॉलिसीज में मेज़र करती है गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट कि आप कितना लोन या कितना मनी लोगों के लिए किस कॉस्ट में आप उनको अवेलेबल करवा रहे हैं ये आप डिसाइड कर सकते हैं नेक्स्ट आता है इंटीग्रेटेड इंटरेस्ट रेट स्ट्रक्चर जो अंडर डेवलप कंट्री होती है उसमें इस इंटरेस्ट रेट स्ट्रक्चर को फॉलो नहीं किया जाता उसमें असमान इंटरेस्ट रेट रहती है कि डिफरेंट सेक्टर के लिए डिफरेंट रेट को आप चार्ज करते हैं तो ये बैंक डिसाइड करती है कि किन लोगों के लिए या किन सेक्टर के लिए कितना इंटरेस्ट रेट होगा पर ये डिफरेंट टाइप के इंटरेस्ट रेट के स्ट्रक्चर बहुत इन इफेक्टिव होती है नेक्स्ट आता है इफेक्टिव सेंट्रल बैंकिंग डेवलपमेंट के लिए जरूरी होता है सेंट्रल बैंक को अंडर डेवलप कंट्री के लिए कि वो अच्छी तरीके से कंट्रोल करे क्रेडिट को कितने वॉल्यूम में लोगों को मिलेगा मतलब कितना पैसा उनको मिलना चाहिए इसके लिए वो मॉनेटरी इंस्ट्रूमेंट बैंक रेट ओपन मार्केट ऑपरेशन कैश रिज़र्व रेशो का यूज़ करती है जैसे कि लोगों के पास पैसा है तो वो अपना पैसा कहीं लगाना नहीं चाहते तो गवर्नमेंट ऐसे ऐसे स्कीम्स लेके आती है कि आपका पैसा डबल हो जाएगा ऐसा हो जाएगा ताकि लोगों का जो कैश है उन तक पहुंचे और वो उसको यूज़ कर सके नेक्स्ट आता है लॉन्ग टर्म लोन फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट मॉनिटरी पॉलिसीज़ प्रमोट करती है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को कि जो भी अंडर डेवलप कंट्री है वहाँ पर वो प्रमोट कर सके मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म लोन को मैनुफैक्चरिंग यूनिट्स के लिए ताकि ज़्यादा इंडस्ट्रीज की ग्रोथ और उनका डेवलपमेंट नेक्स्ट आता है क्रिएशन ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन मॉनेटरी पॉलिसी डेवलपिंग इकोनॉमी में इसका एम होता है कि कैसे आप करेंसी और क्रेडिट के सिस्टम को इंक्रीज कर सकते हैं ज्यादा बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होंगे वो सेट करेंगे कौन से एरियाज में होना चाहिए क्या क्या फैसिलिटीज की कमी है जिनको वो प्रोवाइड कर सकती है तो ये कुछ इंपॉर्टेंस होते हैं नेक्स्ट आता है कि क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं मॉनेटरी पॉलिसी के तो फर्स्ट आता है इकोनॉमिक ग्रोथ आप कैसे गुड्स एंड सर्विसेज के प्रोडक्शन को इंक्रीज कर सकते हैं अगर आप ज्यादा लोन देंगे तो ज्यादा प्रोडक्शन और सर्विसेज मिलेंगी लोगों को तो आप इकोनॉमी की ग्रोथ देख सकते हैं कि ज्यादा बिजनेस का प्रॉफिट कैसे होगा तो आप मॉनिटरी पॉलिसी के थ्रू इजिली इसको प्रमोट कर सकते हैं नेक्स्ट आता है फुल इंप्लॉयमेंट इकोनॉमिक सिचुएशन जहाँ पर की लेबर सोर्सेस अवेलेबल है इफेक्टिवली तरीके से इम्प्लॉयमेंट मिलेगा स्किल्ड और अनस्किल्ड दोनों टाइप के लोग लेबर्स लोगों को मिलते हैं अगर ज्यादा बिजनेस के पास लोन रहेगा उनके पास पैसे रहेंगे तो वो ज्यादा लोगों को रखेंगे अपने काम को बढ़ाने के लिए तो जिससे क्या होता है कि फुल होता है सभी लोगों को रोजगार मिलता है नेक्स्ट आता है है प्राइस प्राइस स्टेबिलिटी इकोनॉमी का होता कि आप जनरल लेवल को कैसे बना के रख सकते हैं कोई चेंज ना करके आप देखते कि इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन नहीं होना चाहिए बैलेंस होना चाहिए प्राइस स्टेबल रहे मनी का सप्लाई डिमांड के अकॉर्डिंग हो ताकि प्राइस इक्वेरियम लेवल तक पहुंच सके नेक्स्ट आता है न्यूट्रलिटी ऑफ मनी जो भी मनी के स्टॉक में चेंजेस हो रहे हैं आपको देखना है कि क्या चेंज हो रहा है कैसे ये अफेक्ट करते हैं लाइक प्राइस वेजेस एक्सचेंज रेट और आप इनके वेरिएबल्स को जानें ये एम्प्लॉयमेंट पे जीडीपी पे रियल कंजप्शन पे अफेक्ट ना करें तो मनी की सप्लाई प्रॉपर होनी चाहिए नेक्स्ट आता है एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी आपको देखना है कि जो करेंसी की वैल्यू है वो फिक्स्ड है तो आपको देखना है कि सिंगल करेंसी मतलब आपका जो पैसा है वो क्या वैल्यू रखता है आप इससे क्या बेनिफिट ले सकते हैं कितनी रिस्क है क्या फिक्स्ड रेट की करेंसी है आप इससे गोल्ड भी ले सकते हैं आप स्टॉक मार्केट में भी जा सकते हैं तो आप यहाँ पे एक्सचेंज रेट को देखते हैं कि कहाँ पे पैसा आप इन्वेस्ट करेंगे तो कितना आपको एक्सचेंज में मिलेगा तो ये कुछ ऑब्जेक्टिव होते हैं नेक्स्ट आता है कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ मॉनिटरी पॉलिसी या बोले जाए तो टूल्स ऑफ मॉनिटरी पॉलिसीज जो कि आप मॉनिटरी पॉलिसीज के लिए यूज करते हैं जिसमें दो टाइप्स है क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव जिनको कि आप क्वांटिटी में नंबर्स में मेजर कर सकते हैं क्वालिटेटिव जिनको कि आप नहीं कर सकते हैं तो क्वांटिटेटिव में फर्स्ट आता है बैंक रेट बैंक रेट को आप डिस्काउंट रेट भी बोलते हैं ये वो दर होती है इंटरेस्ट की जिसमें कि आर बी कॉमर्शियल बैंकों को लोन देता है डिस्काउंट के बाद में ये बैंक रेट अगर इंक्रीज होगी तो कॉमर्शियल बैंक अपने चार्जेस और इंटरेस्ट की रेट इंक्रीज कर देंगे पब्लिक लोगों के लिए और ये कम होगी तो कम कर देंगे सेकेंड है ओपन मार्केट ऑपरेशन इसमें बैंक कंट्रोल करती है कि जो उधार में पैसा है उसको वो कैसे कंट्रोल कर सकती है मतलब लोगों के पास जो पैसा अवेलेबल है उसको वो सिक्योरिटी के लिए परचेस कर सकती है फॉर एग्जाम्पल कि सेंट्रल बैंक सिक्योरिटीज़ को परचेस करके रखती है आरबीआई उसके लिए कुछ पेमेंट देती है कॉमर्शियल बैंकस को पब्लिक को फॉर एग्जांपल कि आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें या कुछ भी सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करें जिसमें आपका पैसा 10 साल में डबल होगा तो वो ओपन मार्केट ऑपरेशंस होते हैं इनके थ्रू आर पैसा कलेक्ट करती है पब्लिक का और फिर उसको वो लोन पे चला सकती है नेक्स्ट आता है कैश रिजर्व रेशियो कैश रिजर्व रेशियो वो रेशियो होता है जिसमें कि जो बैंक्स होती हैं वो कुछ परसेंट अपना आरबीआई के पास डिपॉजिट करके रखती है रिजर्व के लिए बैलेंस के लिए थ्री परसेंट फाइव परसेंट या टेन परसेंट हो सकता है और अगर कैश रिजर्व रेशियो ज़्यादा होता है तो लिक्विडिटी कम होती है मतलब कैश कम जाएगा क्योंकि आधा आपने रिजर्व करके रखा और ये कम होगा तो लिक्विडिटी ज़्यादा होगी तो कैश रिजर्व रेशियो पंद्रह से तीन के बीच में चेंज होता रहता है नेक्स्ट आता है स्टेट लिक्विड रेशियो ये वो परसेंट होता है जो कि बैंक एसिट्स के रूप में लिक्विड को अपने पास रखती है आरबीआई बोलती है कि आपको कुछ अमाउंट आपके पास बना के रखना है वरना वो आपसे फाइन चार्ज करेगी तो बैंक तो बैंक यहाँ पे कुछ लिक्विड एसिट्स या कुछ मनी अपने पास रखती है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के लिए ट्रेजर बिल के लिए अदर सिक्योरिटीज के लिए और ये भी एक डिपोजिट का पार्ट होता है ये आरबीआई रखवाती है ताकि बैंक कुछ लिक्विडिटी अपने पास रखेगी तो वो कम क्रेडिट या कम लोन लोगों को दे पाएगी नेक्स्ट आता है रेपो रेट एंड रिवर्स रेपोरेट रेपो रेट वो रेट होती है जिस कमर्शियल बैंक्स को लोन प्रोवाइड करती है वो रेट होती है रेपो 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 रेट 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 रिवर्स रिवर्स वो rate होती है जिसमें कि कमर्शियल बैंक के पास अगर ज्यादा पैसा है तो वो आरबीआई को दे सकती है और उनसे इंटरेस्ट ले सकती है पर जो रिवर्स रेपो रेट होता है ये रेपो रेट से कम होता है नेक्स्ट आता है क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट या क्वालिटेटिव टूल्स फर्स्ट है राशनिंग ऑफ क्रेडिट ये एक तरीका है कि कैसे आप कंट्रोल कर सकते हैं क्रेडिट को जो भी कॉमर्शियल बैंक्स लोन देती हैं उसमें आप सेट कर सकते हैं कि क्या लिमिटेड अमाउंट होगा कितना टोटल लोन वो दे सकती है उसके लिए आप राशनिंग ऑफ क्रेडिट का यूज करते हैं नेक्स्ट आता है मार्जिनल रिक्वायरमेंट मार्जिनल डिफरेंस को बताता है मार्केट वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी और मैक्सिमम लोन की वैल्यू के बीच मार्जिनल रिक्वायरमेंट आप लोन को इंक्रीज डिक्रीज करने के लिए फ्लो चार्ट में इसका यूज कर सकते हैं कि आप मार्केट वैल्यू मतलब कितनी सिक्योरिटी पे आप कितना लोन देंगे नेक्स्ट आता है मोरल स्यूशन ये परस्यूशन और रिक्वेस्ट को बताता है इन्फ्लेशन को रोकने के लिए सेंट्रल बैंक रिक्वेस्ट कर सकती है कॉमर्शियल बैंक से कि वो कितना लोन प्रोवाइड करे जितनी की जरूरत हो नेक्स्ट आता है रेगुलेशन ऑफ कंज्यूमर क्रेडिट जब भी डिमांड इंक्रीज हो जाती है तो जो कंज्यूमर ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स रहते हैं उनके प्राइस हाई हो जाते हैं तो सेंट्रल बैंक कंज्यूमर क्रेडिट को इंक्रीज करने के लिए जो इंस्टॉलमेंट होती है रीपेमेंट की उसको कम कर सकती है कम अमाउंट की ज़्यादा नंबर्स में कर सकती है ताकि कंज्यूमर क्रेडिट बना रहे नेक्स्ट आता है डायरेक्ट एक्शन बैंक रेगुलेशन एक्ट के तहत जो सेंट्रल बैंक रहती है उसके पास अथॉरिटीज रहती है वो कॉमर्शियल बैंकों के खिलाफ जा सकती है उनके अगेंस्ट में कार्रवाई कर सकती है और सही चीजों को सही डायरेक्शन में चला सकती है तो ये कुछ टूल्स और इंस्ट्रूमेंट होते हैं मॉनिटरी पॉलिसी के तो इस वीडियो में आपने देखा कि मॉनेटरी पॉलिसी क्या होता है और इससे रिलेटेड डिफरेंट टॉपिक्स के वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आप वहाँ से देख सकते हैं वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए और किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं थैंक यू